और कई लोग जो है इसके ताल्लुक से समझते हैं, इफ्तार के ताल्लुक से इफ्तार करते हैं, भरपेट उसने खा लिया, तो कई लोग क्या कहते हैं, हालांकि गलत फहमी क्या कहते हैं कि तरावी इसलिए रखी गई ताकि हम बहुत सारा खा लेते हैं इफ्तार के अंदर, उसके बाद खाना भी खा लेते हैं तो तरावी से हजम हो जाता है। तो इसी कोई रिवायत नहीं है और ना कोई इसके लिए तरावी रखी गई है, नमाज रखी गई कि आप जो है ज़्यादा खा लें, आपको इतना ही खाना चाहिए जितना जो है आपके पेट में समाए, इतना खाएं। नहीं तो लोग क्या खाते हैं कि शेर होकर के, नहीं भाई खाना चाहिए शेर होकर, शेर होके क्या लोग ढेर होके खाते हैं, ढेर होके मतलब उसके बाद वो उठते ही नहीं, शेर होके नहीं खा रहे, ढेर हो जाते वहीं, उसके बाद उठे ही नहीं जा रहा है, उठे ही नहीं भाई, इतना सारा उसने खा लिया। तो इतना खाना चाहिए आदमी को कि जितना जो है उसके अंदर वो इबादत के अंदर उसके पुख्तगी आए, इबादत में सही तौर पर वो खड़ा हो सके, तो उसको इसमें खाना चाहिए।